नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज खबरों के लेंस में हम हाथरस केस में सिस्टम का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस केस में सिस्टम ने एक के बाद एक सच को दबाने की कोशिश की है, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। आज यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और यूपी पुलिस के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस जाकर पहली बार पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जिन जख्मों पर यूपी पुलिस और प्रशासन ने जमकर नमक छिड़का। इसके अलावा हम हाथरस केस पर कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा का भी विश्लेषण करेंगे। गुरुवार को हाथरस जाने की नाकाम कोशिश के बाद आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने दिन भर कैसा बवाल मचाया, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है। आज तक लगातार बेटियों पर हो रहे अत्याचार की खबरों को कवर कर रहा है और सारे तथ्य आपके सामने रख रहा है। आज तक ने सबसे पहले प्रमुखता से हाथरस की खबर को मुहिम बनाया और इंसाफ की आवाज बुलंद की। आज भी हम आवाज उठाएंगे। आज हम आपको सिस्टम के हाथों हाथरस के पीड़ित परिवार की भावनाओं की सीरियल किलिंग के प्रत्यक्ष सबूत भी पेश करेंगे। हम इस खबर के सारे पहलुओं से आपको खबरदार करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर जो है वो ये कि हाथरस मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, यानी यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। हालांकि परिवार की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की जानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर पीड़िता के भाई का क्या कहना है, सुनिए। सीबीआई जांच करेगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। कोई बात नहीं, जो भी कर सके जांच करे। सीबीआई से जांच अगर करेगी तो संतुष्ट है आप लोग? एसआईटी और पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, सिफारिश की है? सिफारिश मैम संतुष्ट हमें नहीं, हम अभी संतुष्ट, हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई आपकी? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को छिपा रहे हैं आप कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई, बताइए। मैं क्या, कोई बात नहीं, आराम से नहीं बताइए, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बताना चाहे तो बताए, नहीं तो नहीं बताए, बताइए। मैं बताऊंगा, हमारी कोई पर्सनल, ये भाई हैं ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई है? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा, वो यही जो हमारी प्रॉब्लम्स थी जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना, इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे, सिफारिश की गई है? मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले में, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। परिवार वालों का यह कहना है कि रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये जांच चलाई जाए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से क्या बातचीत हुई, तो इस पर साफ तौर पर यही कहा गया है परिवार की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ मामले की जानकारी हासिल करनी चाहिए थी। इन सारी चीजों के साथ राजनीति चरम पर है, लेकिन इस मामले में इंसाफ कहीं पीछे छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस पूरे मामले में आवाज उठाए हुए हैं अपनी। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर जिस तरीके से परिवार की तरफ से बातें की गई हैं, उस पर हम जरा शिवेंद्र श्रीवास्तव से जान लेते हैं। शिवेंद्र, यूपी सरकार की तरफ से मांग कर दी गई कि होना चाहिए, इसमें होनी चाहिए सीबीआई जांच। परिवार तो कह रहा है कि उन्हें रिटायर्ड किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये जांच चाहिए। शिवेंद्र के पास फिर हम आगे चलेंगे, लेकिन इस समय चित्रा हमारे साथ हाथरस से जुड़ी हुई हैं। चित्रा, ड्रामा तो खूब हुआ, लेकिन आखिरकार परिवार संतुष्ट दिखा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी आखिरकार आए और सबसे दर्द बांटे? हाँ
तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं दिन भर के हंगामे की, और उसके बाद जब परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, दो दिन से ये कोशिशें चल रही थी। जब पहली बार राहुल गांधी ने आने का प्रयास किया उस समय खूब धक्का मुक्की हुई थी, और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर पहुंचेंगे जरूर वो हाथरस। आज जब फिर निकलने की शुरुआत हुई तो हमने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि उसके बाद 5 लोगों के साथ उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई, 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी गई, कांग्रेस के और सांसदों को भी जाने की इजाजत दी गई। आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पहुंचे हाथरस, और जब यह मुलाकात चल ही रही थी लगभग उसी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह खबर निकली कि सीबीआई की जांच की जाए। हमारे साथ हमारी संवाददाता चित्रा इस समय जुड़ रही हैं। चित्रा, परिवार वाले संतुष्ट हैं? अब दो दिन से काफी मशक्कत की कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने आने की, आज आखिरकार पहुंच ही गए, बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई। चित्रा, आवाज आ रही है तो बताएं। श्रद्धा, आपने सवाल क्या पूछा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको आंसर दे देती हूँ। परिवार वाले भर का घटनाक्रम क्या रहा, और अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों निकलकर यहाँ से जा चुके हैं। उनको तो तकरीबन 3.5 घंटे लगेंगे यहाँ से दिल्ली वापसी करने में, लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है, ये खबर हमने जाकर परिवार वालों को दी। तो परिवार का कहना है कि हम तो पूरे मामले की न्यायिक जांच चाहते हैं, हमने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की थी, ये उनका पक्ष था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रियंका और राहुल ने उनसे मुलाकात की, उन दोनों ने एक चेक भी सौंपा है परिवार को, और परिवार को ये भरोसा दिया कि ये जो लड़ाई आप लड़ रही हैं इसमें हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसी इंसाफ का है। देखिए, नेता आएंगे, मुलाकात करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इंसाफ की लड़ाई इस परिवार को अभी लंबी लड़नी है, क्योंकि हमारे इस देश में पता है हम सबको, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही गई है पूरे मामले में, लेकिन निर्भया के मामले में भी पूरा देश किस तरह से उबल रहा था श्वेता, हम सब जानते हैं। 2012 दिसंबर का यह मामला था, लेकिन 2020 मार्च में पूरे मामले में सजा दी जाती है, उन चारों को फांसी पर लटकाया जाता है। आधी रात की तस्वीरें भी पूरे देश ने आज तक के जरिए देखी थी। तो इस पूरे मामले में भी अभी बहुत लंबी लड़ाई परिवार को लड़नी है। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैं बीते 4-5 दिनों से यहाँ पर बनी हुई हूँ, परिवार के लोगों से लगातार मेरी बातचीत जिस तरीके से हो रही थी, कम से कम आज मैं ये कह सकती हूँ कि घूंघट के पीछे छिपे हुए चेहरे पर एक अलग सा संतोष दिखाई दे रहा था। उसके पीछे की कई बड़ी बातें हैं। देखिए, खुद जब बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से चलकर परिवार वालों से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए, उन्हें भरोसा दें कि आपकी जो भी डिमांड है उन तमाम डिमांड को माना जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा, तो ये जो विश्वास बहाली का उपाय किया गया है सरकार की ओर से, यकीनन कहीं ना कहीं वो कामयाब होता हुआ भी नजर आया। क्योंकि दोपहर के बाद से ही हमने देखा जब परिवार हड्डी जो अस्थियां था उसको चुनने के लिए भी गया। हालांकि परिवार का ये कहना है कि ये विसर्जित नहीं की जाएंगी, ये हम रखे रहेंगे तब तक जब तक कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, उनको फांसी नहीं मिल जाती, और ये पता नहीं चल पाता कि अस्थियां हमारी ही बेटी, हमारी ही बहन की है, ये परिवार का पक्ष रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अधिकारी मुलाकात करते हैं, परिवार से मुलाकात करने के बाद वो वापस चले जाते हैं, यानी कि स्थानीय प्रशासन की ओर से जो डैमेज किया गया था उसको कंट्रोल करने के लिए अवनीश अवस्थी और साथ ही डीजीपी उत्तर प्रदेश जब यहां आकर परिवार को भरोसा देते हैं, तो यकीनन उससे एक ढांढस वाली स्थिति बनती है, उससे एक भरोसा बनता है। और उसके बाद शाम होने तक जब बड़े नेता सामने आते हैं, खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर चल कर आए, पीड़ित लोगों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से ये भरोसा दिया, 50 मिनट के आसपास दोनों ही नेता यहां पर मौजूद रहते हैं और उनको भरोसा देते हैं, तो उसके बाद भी एक अलग तरह की स्थिति उन लोगों को, हालांकि वो कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, जो भी हमारी मदद के लिए आगे आएगा उन तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं, हम तो इंसाफ के इंतजार में हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है इस पूरे मामले में, हमें न्याय चाहिए और उसे न्याय की हमें दरकार है, परिवार की ओर से बार बार यही बातें कही जा रही है। लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई, 14 सितंबर का ये पूरा कदम उठाया गया कि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई, हालांकि परिवार को सीबीआई जांच नहीं चाहिए। क्या बातचीत हुई है चित्रा की पीड़िता की भाभी से, आपको सुनाते हैं।
सीबीआई जांच करेगी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। कोई बात नहीं, जो भी अच्छा, जो भी अच्छी, जो भी कर सके जांच करे। सीबीआई से जांच अगर करेगी तो संतुष्ट है आप लोग एसआईटी और पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, सिफारिश की है? सिफारिश मैम संतुष्ट हमें नहीं, हम अभी संतुष्ट, हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले। जांच आप कहीं भी करते रहिए, हमारे सवालों के जवाब दे जाए। राहुल प्रियंका से क्या बातचीत हुई आपकी? कुछ ज्यादा पर्सनली बात नहीं हुई, जो हमने अधिकारियों को छिपा रहे हैं आप, कह रहे हैं कुछ बात नहीं हुई, बताइए मैं क्या? कोई बात नहीं, आराम से मैं बता रहा हूँ आराम से, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बताना चाहे तो बताए, नहीं तो नहीं बताए, बताइए। मैं बताऊंगा, हमारी कोई पर्सनल, ये भाई हैं ये बता रहे हैं प्रियंका और राहुल से क्या बात हुई? हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा, वो यही जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना, इन सब बातों में यही सब बातें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, कि आप लोगों की ओर से मांग की गई थी सीबीआई जांच की? सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। तो अभी आप लोगों की ये मांग रहेगी, आप सीबीआई को पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने देंगे, सिफारिश की गई है? मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। हमारी जो हमारे तीन सवाल हैं, मतलब आप लोग खुश हैं ना? खुश हैं कि नहीं है? मैम हम खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहां से क्यों निकाल के लाए? दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते, जलाया क्यों? पेट्रोल से ही क्यों जलाया उन्हें? इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका, आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। और जो हमारे साथ बदसलूकी की है डीएम जी ने, ऐसा क्यों कि मतलब हमने कौन सा जुर्म किया है जो हमारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी हो रही है, हमेशा इतनी ज्यादा जो बदसलूकी हो रही है हमारे साथ ही क्यों? डीएम को लेकर भी आपकी प्रियंका राहुल से बात हुई है? राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने कहा कि हाथरस के डीएम को हटाया जाए, ऐसे आप लोगों के? जी जी जी, हमारी आप लोगों से भी बोला था हमने कि डीएम को हटाया जाए, ये ज्यादा कुछ बदसलूकी कर गए थे उस टाइम पे। तो हम प्रियंका गांधी भी चुप कराती हुई नजर आ रही थी, माँ से उन्होंने बातचीत की, माँ को वहाँ के कंधे पर हाथ रखा था, प्रियंका गांधी ने गले लगाया, जरा अंदर अंदर क्या हुआ बताइए आप? मैम माँ जी भी रो रही थी, तो ऑब्वियसली सभी चुप कराएंगे, आपके सामने रोएंगी तो आप भी सीने से लगा के चुप कराएंगे। प्रियंका गांधी को देखकर वो रो रही थी, मतलब वो रोने भावुक हो गई थी अपनी बेटी को याद करके। उन्होंने उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इन सब के बारे में बताते बताते वो रोने लगे, फिर पापा जी भी रोने लगे, वही सारी जानकारी जो हम ओपनली, हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, हमने हमेशा से बताया हम मीडिया के साथ हैं, मीडिया ने ही हमारा केस जो आगे तक बढ़ाया है, तो मैं सब खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ। और उनके द्वारा थोड़ी आर्थिक सहायता का एक चेक था वो दिया है। क्या दिया है आर्थिक सहायता का चेक? चेक मैम हमने खोल के नहीं देखा, जो भी उनसे बना उन्होंने दिया। प्रियंका और राहुल की ओर से आपको एक चेक दिया गया है जिसमें आर्थिक सहायता है? जी कितना अमाउंट है ये नहीं पता? जी नहीं, आप भी हमें देंगी, वो भी हमें मंजूर है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया वो भी हमारे अकाउंट में ही है, ना कि हमसे दूर है, वो हमारे ही अकाउंट में है, कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैम, तो वही सब बता रहा हूँ जो भी हमारी सहायता। परिवार से कुल कौन कितने लोग मौजूद थे अंदर कमरे में, क्योंकि कमरा बंद था, बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, तो अंदर की बताइए कुल कितने लोग, कौन कौन था उस समय? सभी थे, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी सब थे वहाँ पे, दीदी बुआ दादी जी सब थे, वही हम अपने बात जो थी अंदर की सब उन्हें बताया, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ शेयर किया, कोई पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन पे वो हम पे दबाव बनाए या किसी और पे दबाव बनाए। वो लोग निकल चुके हैं, आखिरी सवाल मैं जल्दी से कर लेती हूँ, सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है जी, अब सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करेगी जी, तो आपको लग रहा है सच निकल कर सामने आएगा? अब जो भी जांच होगी, मैं तो चाहता हूँ हमारी जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट के जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। ये परिवार के लोग अंदर लेकर जा रहे हैं, भाभी आप तो आ जाइए, क्या बातचीत हुई, आप बड़ा भावुक भी हो रही थी, आप रोने भी लगी थी अंदर जब प्रियंका गांधी से मुलाकात चल रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए रही थी, मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई। क्या आश्वासन क्या मिला है उनकी ओर से? और सीबीआई जांच करेगी, सिफारिश की गई है, सिफारिश मुख्यमंत्री? मैं हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं बोला है, वो अपनी तरफ से करा रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से होगा उनके। मुख्यमंत्री ने तो इसके लिए सिफारिश कर दी है? सिफारिश करी होगी, मगर हमारे घर वालों की ये इन सब चीजों की
भैया भाई हैं आप बताइए। हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट से फास्ट टैग वो मंजूर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ही आप लोग मांग कर रहे हैं कि वहीं से नहीं चाहिए नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नहीं। वो खाली बस मम्मी से पूछती रही है कि क्या हुआ कैसे ये सब सुनती रही है। वो क्या शुरू से बात ही बता वही बता रही थी कैसे कांड हुआ ये सब पूछती रहे गले से लगा लिया इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं है सब। उनकी ओर से क्या कहा गया प्रियंका और राहुल की ओर से क्या कहा गया? वो बस संतुष्टि दे रहे थे कि आप लोग घबराइए मत हम लोग आपके साथ हैं। जो चेक दिया गया है उसमें कितने पैसे का आपके नहीं अभी हम मैंने नहीं देखा है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे बंद करके तो उनके 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 यहाँ पे आने के बाद संतुष्ट हैं आप लोग? उन्होंने जो आश्वासन दिया मतलब प्रियंका राहुल की ओर से अब सब लोग हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग तो सबसे संतुष्ट हैं। मिलने वालों से वो नहीं है जो भी हमसे मिलने आ रहा है हमारी दुख परेशानी समझ रहा है वो लोग सब हमारे लिए भगवान ने। अधिकारियों ने भी आके आपसे मुलाकात की थी दो दो लोग बैठे हुए थे क्या बातचीत की आप लोगों ने क्या कहा उनसे आप लोगों ने? उनसे खाली बस हमने अपनी प्रॉब्लम जो भी थी वो बताई है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि हाँ आपके साथ खड़े हैं? हाँ हम जो भी मतलब उन लोगों की भी बातचीत से आप लोग संतुष्ट रही या नहीं थी? यही बोला है उन्होंने जो अपराधी हैं हम उन्हें सजा दे के रहेंगे वो छूटेंगे नहीं वो उन्हें मतलब सजा से वो नहीं किया जाएगा कि नहीं उन्हें रिहा हो जाए उन्हें सजा नहीं मिलेगी ऐसा कुछ नहीं होगा उन्हें सजा मिलेगी। हाँ। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी धर्म का हो कोई भी हो। लेकिन आप लोग कह रही हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने भले ही की हो लेकिन आपको न्यायिक जांच चाहिए इससे कम परिवार को मंजूर नहीं है? हाँ हमारे घर में मंजूर नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं अभी भी बोल रहे हैं ये ऊपर से वीडियो बना बना कर डाली जा रही है मैम इन सब चीजों के बारे में हमारे घर से कोई भी नहीं बोल रहा है उनके भाई। अच्छा एक चीज और बताइए आप लोगों ने मतलब शव को जला दिया गया पहले आप लोगों की ओर से कहा गया कि पता नहीं किसका है फिर बाद में हड्डियां चुन के आप लोग लेकर आए लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं इनकी बात हो जाए बताइए बोलिए। वो हकीकत में वो हमारी दीदी की बॉडी नहीं है ये हम लोग मानते हैं ठीक है। वो अस्थियां ले जरूर आए जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा ना ये पता नहीं चलेगा ये किसकी बॉडी थी कैसी थी तब तक वो जो आई है ना अस्थियां वो ऐसी रखी रहेंगी विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा तब उनका सब कुछ किया जाएगा। अच्छा आप लोग चेहरा नहीं देखे तो अभी भी भरोसा नहीं है कि वो किस किस अस्थियां हैं लेकिन सिर्फ आप लोग एहतियाती लेते आई हैं। हाँ। और ये देखिए परिवार के लिए भी यकीनन ये दुख भरी घड़ी है क्योंकि सुबह से ही लगातार मीडिया कैमरे लगातार इनका पीछा कर रहे हैं नेता भी इनसे मुलाकात करने के लिए बार बार आ रहे हैं और परिवार में परेशानी की स्थिति भी है क्योंकि बीते 18-19 दिनों से दिन रात ये परिवार जगा हुआ है बिना कुछ खाए बिना पिए अपनी बात यहाँ पर रख रहा है लेकिन न्याय के इंतजार में है कि कम से कम उनकी बातें हमारे कैमरे के जरिए जब देश तक पहुंचेंगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और परिवार को न्याय मिलेगा और उसी न्याय के इंतजार में ये पूरा का पूरा परिवार इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है सरकार की ओर। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है लेकिन उस सिफारिश से ऐसा लग रहा है परिवार संतुष्ट नहीं। खुद आप उन तमाम लोगों को सुन रहे थे इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए न्यायिक जांच के बाद ये पूरा परिवार कर रहा है तो क्या अब आगे इस तरह की न्यायिक जांच होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि परिवार की जो डिमांड है वो हमने सामने रखी है। तो ये कुल मिलाकर आज की स्थिति देखने को मिली है यहां पर हाथरस से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा शनिवार को हाथरस पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां पर गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका वाड्रा ने बंद कमरे में पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका वाड्रा ने पीड़िता की मां को गले लगाया सांत्वना दी। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने करीब एक घंटे तक पीड़िता के परिवार से बातचीत की। इस मुलाकात में क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। दिन की कोशिश के बाद आखिरकार राहुल गांधी हाथरस पहुंचने में कामयाब रहे। शाम 7:30 बजे राहुल का काफिला रेप पीड़िता के गांव में दाखिल हुआ। भारी भीड़ के बीच वो परिवार के बीच पहुंचे।
बंद कमरे में राहुल और प्रियंका की परिवार से मुलाकात हुई। परिवार के बीच जैसे ही दोनों पहुंचे, उनके सब्र का बांध टूट गया। प्रियंका ने आगे बढ़कर रेप पीड़िता की मां को गले लगाया। परिवार के आंसू रुक नहीं रहे थे। दोनों ने परिवार को ढांढस बंधाया, इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ खड़े होने की बात कही और हर संभव मदद का वायदा दोहराया। हमारी कोई पर्सनल बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हमें सुना, हमें समझा, वो यही उन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी जो हम आपको उस दिन से बताते हुए आ रहे हैं, जो हम पे बीती है, हमने सिर्फ उनके सामने यही सब रखा है। उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने भी यही बोला, आश्वासन दिया कि हम आपकी भी सहायता करें, कभी जरूरत हो तो बताना, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना। इन सब बातों में यही सब बातें हुई। राहुल गांधी ने वारदात से लेकर पुलिस और प्रशासन की तफ्तीश की जानकारी ली, कब FIR दर्ज हुई, कितने दिनों बाद जांच शुरू हुई, इलाज में क्या लापरवाही हुई, परिवार को कैसे परेशान किया गया। योगी आदित्यनाथ जी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उनको ये समझना पड़ेगा, जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। वैसे तो राहुल गांधी हाथरस पहुंचने के लिए 35 सांसदों के साथ निकले थे, लेकिन राहुल और प्रियंका समेत 5 लोगों को ही प्रशासन ने हाथरस जाने की इजाजत दी। इलाके में धारा 144 लागू है, यही वजह है कि 5 लोगों को ही यहां जाने की इजाजत मिली। 5 लोगों में राहुल और प्रियंका के अलावा सांसद अधीर रंजन चौधरी, KC वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक शामिल थे। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कहा गया है अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, यहाँ पर काफी आक्रामक तरीके से नजर आई है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने कहा अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा परिवार की कोई भी गलती नहीं है, हम परिवार के साथ खड़े हैं, उनके इस मुश्किल भरे वक्त में कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तकरीबन 50 मिनट से ज्यादा देर तक की यह मुलाकात और यहाँ पर रुकना और उसके बाद यहाँ से जाना, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे इस बात का भरोसा देते हुए परिवार से मुलाकात के बाद अब ये दोनों ही नेता पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आज दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली DND पर UP पुलिस का भारी पहरा था। माना गया कि ये तैयारी राहुल और प्रियंका को रोकने के लिए की गई थी। टोल नाके पर फौज सरी की पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल ही DND पर आगे बढ़ रहे थे। कार की स्टीयरिंग प्रियंका के हाथ में थी, बगल में भाई को बिठाकर वो हाथरस का सियासी हाईवे नापने के लिए निकल पड़ी। इसके साथ भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, 35 से ज्यादा सांसद। हो हंगामा बढ़ा तो खाकीधारियों के सब्र का बांध टूटा। DND पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीठ को यूपी की पुलिस ने लाठी से नाप दिया, भगदड़ मच गई। राहुल और प्रियंका गाड़ी से बाहर तो नहीं उतरे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी को सियासी सड़क पर फर्राटा भरने का सिग्नल मिल गया। राहुल ने अपने फोन पर पुलिस अफसरों को कोई संदेश दिखाया और अभी तक लोहे की दीवार बनी पुलिस राहुल और प्रियंका की गाड़ी की आगे से हटने लगी। 2 दिनों से जिद पर अड़ी योगी सरकार ने आखिरकार सियासी शिष्टाचार की मर्यादा को माना, समझा और राहुल प्रियंका के साथ 5 सांसदों को हाथरस जाने की इजाजत दे दी। शुक्रवार को क्यों रोका गया था और शनिवार को कौन से हालात बदल गए जो सरकार ने अपना फैसला बदल दिया, ये समझ से परे है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि SIT की जो टीम है जो जांच कर रही है अभी तक, वो पहुंची है परिवार से मिलने के लिए। चित्रा, रात 9:21 इस समय क्यों SIT की टीम जांच के लिए पहुंची है?
ये समझ पाना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं श्वेता, चारों तरफ घुप अंधेरा है पूरे गांव में। सिर्फ कुछ ऐसे घर हैं जहां पर बिजली आपको दिखाई दी जाएगी, जितने भी पोल्स हैं वहां पर लाइट्स ऑफ हुई है। और इस अंधेरे को चीरते हुए वहां पर एसआईटी की टीम इतनी रात को किस लिए पहुंची है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो भी एक तरफ जब सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से कर दी गई, उसका 8:30 बजे ट्वीट भी सीएम ऑफिस से सामने आ गया है। एसआईटी की टीम बीते 3 दिनों में, आज देखिए एसआईटी की टीम की जांच का आज 3रा दिन है। पहले दिन उसने सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूछताछ की थी, परिवार वालों के बयान दर्ज किए थे। कल पूरे दिन एसआईटी की टीम वहां नहीं पहुंचती है और आज पूरे दिन वहां पर इंतजार किया जाता है। सुबह जब मीडिया को रोका गया था तो यही कहा गया था कि एसआईटी की टीम तो सुबह सुबह पहुंची हुई है, वहां पर जांच जारी है, मीडिया को नहीं जाने दिया गया। हालांकि बाद में 10 बजे के आसपास फिर हम लोगों को जाने की इजाजत दे दी जाती है। जब अंदर हम पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं तो उनका ये बयान आता है कि हमसे तो सिर्फ एक दिन सुबह 8:30 से 3 बजे तक पूछताछ हुई, उसके बाद कोई पूछताछ नहीं होती है। कल बीते दिन कोई पूछताछ नहीं हुई, आज पूरे दिन एसआईटी की टीम ने कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और अब जाकर इस समय एसआईटी के अधिकारी वहां पर 3 सदस्य जो टीम है, जिसमें एक महिला भी है, एक दलित समुदाय से शामिल अधिकारी है, ये एसआईटी की टीम जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात श्वेता, देखिए एसआईटी की टीम ने पहले दिन की जो जांच की थी उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही यहां पर 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड इसी आधार पर किया गया था क्योंकि एसआईटी की टीम में सीधे सीधे इस बात को पाया था कि परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दम है और पुलिस वालों की सीधी सीधी यहां पर लापरवाही है। इसी वजह से एसआईटी की टीम की जांच के आधार पर फर्स्ट डे जो जांच की गई थी उसके आधार पर कार्रवाई की गई। लेकिन इस समय इतनी रात को क्यों पहुंची हुई है, सुबह सुबह देखिए गांव में जल्दी ही शाम ढल जाती है, लोग सोने के लिए चले जाते हैं और वो परिवार सुबह से थका हुआ है क्योंकि उनके घर पर भारी भीड़ भी है, सुबह से लगातार खबरें भी आ रही थी, वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। लेकिन एसआईटी की टीम इस समय क्या जांच पड़ताल करेगी, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, वो उनसे क्या पूछेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एसआईटी के अधिकारी इस वक्त घर के भीतर मौजूद है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब किस तरह की जांच पड़ताल इस समय रात में की जाती है, ये कुछ समझ से परे है, यही समझ में आ रहा है श्वेता। तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वहां से जो लगातार हमारे सामने आ रही हैं, उसमें घर वालों से बातचीत, एसआईटी की टीम जो कि सिविल कपड़ों में आपको नजर आएंगे, बाकी पुलिस वालों की भी भारी मौजूदगी वहां पर है। पीड़िता के भाई से कुछ जानकारी हासिल की जा रही है। चित्रा, एसआईटी की जांच तो इतने दिनों से चल रही है, आज आखिरकार राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा पहुंच गए मिलने के लिए, परिवार संतुष्ट है अब तक की जांच से या नहीं? देखिए एसआईटी की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है, जैसा कि हमने उनका बयान भी सुनाया आपसे कुछ देर पहले का। परिवार वालों से जो मैंने बातचीत की श्वेता, उनका ये कहना है कि वो तो न्यायिक जांच चाहते हैं, एसआईटी की टीम पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही एसआईटी की टीम चूंकि 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है, जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले को सुलझाया जाना था, मामले के निष्कर्ष तक पहुंचा जाना था। लेकिन एसआईटी की टीम ने कल पूरे दिन क्या किया, ये बड़ा सवाल है। परसों जब एसआईटी की टीम सुबह सुबह पहुंचती है, मीडिया को रोक दिया जाता है, तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए हम इंतजार करते हैं कि एसआईटी की टीम जब वहां से मूव करेगी उसके बाद मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन 3 बजे के बाद ऐसा कुछ नहीं किया जाता। कल पूरे दिन भर एसआईटी की टीम घर के भीतर नहीं थी, लेकिन पीड़ित के परिवार को मीडिया से दूर रखा गया था। जब लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना, प्रशासन की किरकिरी हुई, जम की यहां पर पुलिस प्रशासन की फजीहत हुई, उसके बाद सरकार की नींद खुलती है और आज 10 बजे इस बारे में इजाजत दी जाती है। जब हम अंदर जाते हैं और सवाल पूछते हैं तो सब दंग रह जाते हैं कि एसआईटी तो आ ही नहीं है, तो फिर परिवार को दूर मीडिया से आखिर क्यों रखा गया था, वो कौन से सच था जिससे पर्देदारी की कोशिश की थी। देखिए पूरे मामले को बहुत अच्छे से श्वेता हैंडल किया जा सकता था, परिवार को न्याय का भरोसा आप दे सकते थे, लेकिन यहां पर जिस तरह का फेल्योर रहा है स्थानीय प्रशासन का, उसकी वजह से यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। वरना परिवार तो सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा है, परिवार तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, वो चाहता है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, ताकि दोबारा किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की घटना नहीं हो। देखिए एक परिवार पीड़िता के परिवार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर देने के लिए वो लोग तैयार क्यों नहीं जो लगातार उनके वीडियोस के जरिए दावा कर रहे हैं कि पहले दिन तो रेप की कोई बात कही ही नहीं गई थी। आखिर खेत में जब पीड़िता वहां पर काम कर रही होती है तो उसको घिसट कर लेकर क्यों बाजरे के खेत के अंदर जाया जाता है, उसके कपड़े क्यों फाड़ दिए जाते हैं, उसको खोले जाते हैं, उसके गले को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है, जिसका पूरा लिगेचर मार्क का निशान पूरा देश उन तस्वीरों के जरिए देख रहा है। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है। इसी वजह से उम्मीद यही कि पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट, अब देखिए सीबीआई की सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, लेकिन परिवार इससे भी संतुष्ट नहीं है। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि परिवार संतुष्ट हो
सके और इसके लिए न्यायिक जांच की सिफारिश क्या की जाएगी, इस पूरे मामले में क्या अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगा जैसा कि परिवार डिमांड कर रहा है या फिर आगे क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम का आज तीसरा दिन है, आज के अलावा भी 4 दिन और बाकी है क्योंकि 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। गांव के लोगों से भी पूछताछ की गई है और यकीनन जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी एसआईटी की टीम पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी, उनका भी पक्ष जानेगी जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार को। एसआईटी टीम की पूछताछ हम देख पा रहे हैं इस समय, घर के ठीक सामने पीड़िता के भाई और उनके समक्ष जो एसआईटी के सदस्य हैं वो सब पूछताछ करते हुए, पुलिस वालों की भी भारी मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। हम कुछ ही देर में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय आखिरकार पूछताछ की नौबत क्यों आ पड़ी और अभी एसआईटी की टीम दरअसल क्या जांचना चाह रही है। सीबीआई जांच की अगर मांग हुई है तो हैंडओवर होगा सचमुच में, सीबीआई की जांच शुरू होगी या फिर परिवार जो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है उसकी तरफ ये पूरा मामला जाएगा। बहरहाल हाथरस केस में सब कुछ मिल रहा है, राजनीति से लेकर सिस्टम की नाकामियों तक अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो पीड़ित परिवार के सवालों के जवाब और इंसाफ, इसके बदले में पीड़ित परिवार को मिल रही है धमकियां और पैसों का लालच। आज हम आ जाएंगे उनकी खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। सर तो एक टेक्निकली अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रही थी, जैसे कि अभी सीबीआई रेकमेंड हुआ है तो क्या आप लोग का भी साइड बाय साइड पैरेलल चलेगा तो कंप्लीट होगा? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वी अप्रिशिएट, थैंक यू सादिया। लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें किसी की संवेदनाएं नहीं चाहिए, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए वो है अपनी बेटी के लिए न्याय और अपने साथ हुई ज्यादतियों का हिसाब। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है, बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी थी। लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है ये उन लोगों को पता है, बॉडी नहीं जलाई। यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता मुझे। अच्छा उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, अब चले जाएं, अभी हम सब चीज से संतुष्ट हैं, ऐसा बुलवाया था पापा पे। परिवार गुहार लगा रहा है कि बॉडी देखने नहीं दी, कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखा दो, ये हक है उनका। लेकिन सिस्टम कह रहा है बॉडी देखकर सो भी नहीं सकते थे, क्या वाकई? और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या आप मुआवजा ले लेते, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या, पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छीछड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे, उनके खिलाफ क्या बोलूं मैं? हमने जब बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो तो उन्होंने साफ साफ बोला आप लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हो, आप कहां से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ोगे, आप किसी पे नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने सिर्फ फोन निकाला और रख लिया, ना कि हमें दिखाया तक नहीं पोस्टमार्टम। फिर उन्होंने बहाना लगाया कि वकील करके लाओ तब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे तुम्हारे तुमको। परिवार पूछ रहा है आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी जो रात के अंधेरे में परिवार को घर में बंद करके उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिस्टम कह रहा है सब कुछ परिवार की सहमति से हुआ, क्या वाकई? मोहल्ला पड़ोस के चाचा दादा लगते हैं उन्हें उठा ले गए, ये तो पापा जी अकेले भाई हैं वो तो। परिवार पूछ रहा है कैसे यकीन करें कि जिसकी लाश रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क कर जला दी गई वो उनकी ही बेटी की लाश थी। सिस्टम कह रहा है लाश सड़ जाती इसलिए जला दी, क्या वाकई? लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है ये दिखाओ, किसकी जलाई है, हमारी बॉडी हमें दे दो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, आखिरी मतलब दाह संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है, बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है, बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी थी। लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है ये उन लोगों को पता है, बॉडी नहीं जलाई। पिछले 2 दिन से एसआईटी जांच के नाम पर मीडिया को हाथरस जाने से रोका गया, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की हदें पार की गईं। सिस्टम कह रहा है एसआईटी जांच प्रभावित हो जाती, क्या वाकई? परसों पूछताछ हुई एसआईटी की टीम, कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं कल नहीं थी, कल कोई नहीं आया था पूछताछ, नहीं आया था। अच्छा और आज भी नहीं आया है? आज भी हमें तो जानकारी दी गई कि नहीं एसआईटी की टीम पूछताछ करी इसलिए अंदर नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है मैम। परिवार कहता रह गया बेटी का शव दे दो,
सिस्टम ने नहीं दिया। परिवार कहता रह गया रात में बेटी का अंतिम संस्कार मत करो, सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। परिवार कहता रह गया बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो, सिस्टम ने मना कर दिया। और अब जबकि परिवार पूछ रहा है इंसाफ कब मिलेगा, सिस्टम कह रहा है मुआवजा मिल तो गया। यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा, मतलब परिवार के आरोपों का कोई महत्व नहीं, परिवार की मांगों की कोई सुनवाई नहीं, परिवार के दुख की कोई परवाह नहीं, जो कुछ होगा सिस्टम से होगा, वही होगा जो सिस्टम चाहेगा। सिस्टम कहेगा रेप नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ। सिस्टम कहेगा परिवार को शव नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। सिस्टम कहेगा परिवार झूठ बोल रहा है, मतलब बोल रहा है। परिवार करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, आखिर ये सिस्टम पीड़ित परिवार से चाहता क्या है? कुछ भी संतुष्ट नहीं, किसी भी जांच से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जिससे बात हुई थी उसके बाद आपने आपके पापा का बयान था कि संतुष्ट है जांच से। वो बयान दिलवाया गया था, मैं बता दूं, उन्होंने अंदर कमरे में बैठ के मुझे बताया कि मैं कभी पुलिस अधिकारियों से नहीं मिला, उन्होंने साइन करवाए मुझसे और बोला कि मीडिया को बोल देना हाथ जोड़ के कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, अब चले जाएं, अभी हम सब चीज से संतुष्ट हैं। मतलब सिस्टम चाहता है कि परिवार चुपचाप बैठकर अपनी बेटी की मौत पर सिस्टम का तमाशा देखे, अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई को भूल जाए। सिस्टम चाहता है कि परिवार मीडिया से सच ना बोले। अब तो सिस्टम परिवार की जासूसी करवाने पर भी उतर आया है। फोन टैप हो रहा है सर, क्योंकि हमसे अभी तक एसआईटी की टीम से पूछताछ नहीं हुई है, मगर फोन टैप हो रहा है, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग निकल के आ रही है, और जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे बुआ जी के लड़के की है, ना कि हमारे किसी नेता से बात हुई अभी तक। तो उन्होंने सिर्फ यही समझाया कि तुम पे अभी बहुत ज्यादा दबाव है, पुलिस वाले हैं जो बड़े अधिकारी हैं काफी दबा रहे हैं, इस केस को दबा देंगे, ऐसा बोला। जो 25 लाख 50 लाख की बात हुई थी तो उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि मतलब 50 लाख 25 लाख में ये फैसला नहीं करना, वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा। परिवार को न्याय चाहिए, लेकिन सिस्टम को केस से छुटकारा चाहिए। इसीलिए सिस्टम हर सवाल पर या तो बेतुकी सफाई दे रहा है या पीड़ित परिवार को झूठा साबित करने में जुटा है। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। जो कुछ इतने दिनों यहाँ पर हुआ है, जो कुछ परिवार का आरोप है, क्या कहेगा प्रशासन? किस बात का आरोप? धमकी दी गई परिवार को, मोबाइल छीना गया, बेबुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं का क्लेरिफिकेशन भी इशू हो चुका है, वो आप देख लीजिए उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखिए। बात किसकी माने, परिवार का आरोप माने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सफाई मान लें, वो आप लोगों के ऊपर है। हमेशा ये देखा जाता है पीड़िता का बयान, पीड़ित का परिवार, उसका भाई खेतों के रास्ते भाग करके आता, कह रहे हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। पूरी तरह असत्य, बेबुनियाद और गलत आरोप है। देखिए, हर आरोप या प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। सच में सिस्टम को तो सिर्फ सवाल करना आता है, सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य थोड़े ही है सिस्टम। लेकिन जब सिस्टम सिर्फ सवाल करने पर उतर आए और पीड़ित परिवार से ही आरोपियों जैसा बर्ताव करने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पर झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। आपको सुनाते हैं कि एसआईटी टीम जो इस समय पूछताछ के लिए पहुंची थी, वहां से निकलते हुए क्या कहा है उस टीम ने। देखिए, अभी उनके पिताजी की थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी। तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए, तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे, उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। सर, तो एक टेक्निकली अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी सीबीआई रेकमेंड हुआ है तो क्या आप लोग का भी साइड बाय साइड पैरेलल चलेगा तो कंप्लीट होगा? थैंक यू, एक बार बता दीजिए, वेट करिए थोड़ा सा। अभी फैमिली मेंबर्स से कुछ और चीजें जो है वो उनके फादर के बयान रह गए थे, और भी अगर वो किसी का बयान कराना चाहते हैं या कोई और बात बताना चाहते हैं तो ये हम जानने आए हैं। मैम, हम लोग जो है अपनी कार्रवाई जो है कर रहे हैं और समय से जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे।
एसआईटी की टीम जो देर रात पहुंची हुई है वहां पर पूछताछ करने के लिए, पीड़िता के घर पर पहुंची हुई है, उससे ये सारे सवाल दागे जा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रात में समय आना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ बयान ऐसे हैं जो बच गए हैं, जिन बयानों को अभी लेने की आवश्यकता है और इसीलिए उन बयानों को लेने के लिए एसआईटी की ये टीम लगभग 9:15 बजे पहुंची थी पीड़िता के घर पर। लेकिन चूंकि पीड़िता के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बयान लेने वो दोबारा आएंगे। बहरहाल अब हम दुनिया की उस सबसे लंबी टनल के सफर पर आपको लेकर चलते हैं जो हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख के बीच सफर को पूरे वर्ष अटल रखेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अटल सुरंग का शुभारंभ कर दिया। समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह टनल न सिर्फ लद्दाख के लोगों को साल भर बाकी देश से जोड़े रखेगी बल्कि चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भी सप्लाई लाइन का काम करेगी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। पूरे वर्ष हिमाचल से लद्दाख अटल यात्रा करने की सहूलियत देने वाली दुनिया की सबसे लंबी टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला वर्ष 2002 में रखी गई थी और ये अब करीब 18 वर्षों में बनकर तैयार हुई। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। अब अटल टनल बनकर तैयार है। अभी रोहतांग पास के जरिए मनाली से लेह जाने में 474 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। बर्फबारी के समय लाहौल स्पीति घाटी साल में 6 महीने तक देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी, लेकिन अब करीब 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के तैयार होने से लेह से मनाली अब महज 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। ये टनल हिमाचल के पीर पंजाल रेंज में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, जिस पर करीब 3200 करोड़ रुपयों की लागत आई है। इस टनल में वाहनों के लिए 80 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई है। इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है। हर 60 मीटर की दूरी पर अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं और 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए हर 1 किलोमीटर पर मशीन लगी हुई। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर
एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। इस सुरंग के नीचे एक अन्य सुरंग का भी निर्माण किया गया है जो विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन निकास का काम करेगी। इस टनल की डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया ताकि बर्फ और हिमस्खलन से यातायात बाधित ना हो। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये टनल सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहतर संपर्क बना रहेगा, उन्हें साल भर हर मौसम में हथियार और रसद कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। यानी अटल टनल देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश के सैनिकों के लिए भी सहूलियत की टनल है। मनाली हिमाचल प्रदेश से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट फैशन बड़े आराम से, पावर्ड बाय पॉली कैब वायर्स, कनेक्शन बचत का कनेक्शन जिंदगी का, ड्रिवन बाय हुंडई स्मार्ट कार्स फॉर स्मार्ट इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।